वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं तो मजीद लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फराज अहमद। क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। चलो मुझे बताओ कि वो कौन सा मुल्क है जिसकी कोई आर्मी नहीं है और वो सबसे ज़्यादा पीसफुल है? आई डोंट थिंक ऐसा तो कोई मुल्क है, कोई आर्मी नहीं है। नहीं सॉरी नहीं पता। कोशिश करो ना। सब मुल्क की आर्मी है, जाहिर सी बात है सबने। अरे भाई बता रही, एक मुल्क की नहीं है, कोशिश तो करो। बहुत जल्दी गिव अप कर देते आप लोग। आप मुझसे उससे रिलेटेड पूछ सकते हो, उससे रिलेटेड पूछ लो जिससे तुम्हें हेल्प मिल जाए। वो मुल्क किस, कौन से मुल्क के नज़दीक है? चलो इस तरह नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ, ज़्यादा हेल्प कर रही थी, उसका आधा नाम बता दे। मैं लैंड आता है, लैंड तो सब में क्यों? पाकिस्तान में कौन सा लैंड आ रहा है? पाकिस्तान में तो नहीं है लेकिन इंडिया, अमेरिका, कैनेडा, लैंड आ रहा है। लाइक नेदरलैंड, इंग्लैंड, इस तरह? नहीं बता। क्या सुनाओगे? सॉन्ग सुन ले। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी, दिल दियां गल्लां है करांगे नाल नाल बैके, अक नाल अक नू मिला के, दिल दियां गल्लां है करांगे रोज रोज बैके, सच्चियां मुहब्बतां निभा के। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट, थैंक यू जी। इन्होंने जो है वो गाना सुनाया, लेकिन मैं बताऊँ, मुझे बहुत डिसपॉइंटमेंट होती है आप लोगों की इन हरकतों से। अब मैंने कितनी कोशिश की भाई, पूछो, ये भी बता दिया कि आधे हिस्से में लैंड आता है। नहीं नहीं सॉरी, मतलब क्या यार, एटलीस्ट ट्राई मैन। कोई आप लोग ट्राई नहीं करते। मुझे जहाँ कहीं मैं फैमिली डिनर पे गई हूँ कहीं, लोग मुझे, आप जवाब नहीं बताते हैं। आप कौन सा बूझ लेते हैं, मैंने ठेका लिया जवाब बताने का है। कोशिश किया करो जवाब बताने की, किसी और से बात करते हैं। सामने का वालेकुम। का नाम? मुस्तनसर अब्बासी। क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। चलो मुझे बताओ वो कौन सा मुल्क है जिसकी कोई आर्मी नहीं है वो फिर भी सबसे ज़्यादा पीसफुल है? आर्मी नहीं है, न्यूजीलैंड। सॉरी, एक शेर सुनाऊंगा। वो और वादे वफा, तुम भी ना मोहसिन कमाल करते हो। इसका इकबाल? नहीं, ये मोहसिन का है, मोहसिन नकवी का। वो और वादे वफा, तुम भी ना मोहसिन कमाल करते हो। ओके जी, तो ये आपको कैसे याद हुआ, क्या वजह हुई कि याद करना पड़ा? नहीं ये याद नहीं करना पड़ा, ये मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो थोड़ा बहुत लगाव था, तो तब थोड़ी बहुत शेर शायरी करते थे, ये मेरा फेवरेट था इसलिए मैंने आपको सुना दिया। जबरदस्त जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। वेलकम जी। शेर सुना हमने, एक अच्छा शेर था, मोहसिन का था, बड़ा मजा आया। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। का नाम? शाहिद अली। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। ओके चलो, मुझे क्या उम्र है? मैं 26 साल। 26 साल का क्या पढ़ रहे हो? मैं मीडिया स्टडीज कर रहा हूँ। नहीं, बैचलर कर रहे हो? जी बैचलर। क्या हुआ, बीच में छोड़ी थी पढ़ाई? नहीं छोड़ी। क्यों, 26 साल हो गए तो बैचलर करते हुए? बस वो लेट से स्टार्ट किया था ना। अच्छा, लेट स्टार्ट किया था। चलो मुझे बताओ कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से। चलो अपने शहर के बारे में कुछ अच्छी बातें बताओ। बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान, जिसको नॉर्दर्न एरियाज कहा जाता था और आज गिलगित बल्तिस्तान के नाम से मंसूब है, और इसका कुल एरिया 73,000 स्क्वायर किलोमीटर है और 25 लाख से ज़ायद टोटल पॉपुलेशन है। इसके 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हर डिस्ट्रिक्ट की एक अपनी खूबसूरती है। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट गिज़र से है और डिस्ट्रिक्ट गिज़र कैकेज का वो अल्टरनेट रूट है जो चाइना से, काशगर से होते हुए चाइना से गिलगित, गिलगित से चित्राल, चित्राल से होते हुए चकदरा, वहाँ से सीधे गवादर की तरफ निकलता है। दूसरा हमारा डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट हुंजा, उसकी एक अपनी खूबसूरती है, उसकी एक अपनी लैंग्वेज है। इसी तरह सकरदू है, वहाँ पे पानी और खूबसूरती और फ्रेश वाटर और खासकर ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं
تو وہاں کا جو ٹراؤٹ ہے وہ اپنی مثال آپ ہے اور گلگت بلتستان ٹراؤٹ کے لحاظ سے بہت مشہور ہے اور پاکستان کا جو قومی جانور آئیبیکس مارخور وہ گلگت میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے اور اس کا گوشت ہم بڑے آرام سے کھاتے ہیں اور آج کل اس پہ ذرا بین لگا ہوا ہے لیکن آپ لائسنس لینے کے بعد آپ اس کا شکار کر سکتے ہیں بینگ ٹورسٹ آپ اس کو وہاں پہ آ کے لائسنس آپ لیں گے اور اپنے چوائس کا پے کریں گے اور اس مطابق آپ کو شکار کرنے کی اجازت ہوگی اور انہی پیسوں سے وہاں پہ اس کے لیے کوریج اور پراپرلی اس کے لیے وہاں پہ پروٹیکشن پرووائڈ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے وہاں پہ ایجنسی جو ادارے کام کرتے ہیں وہاں پہ ونٹرز میں ہم جو ہے نا گوشت سب سے زیادہ کھاتے ہیں اور وہ بھی یوک کا YOLK یوک کا اور بہت ہیوی ہوتا ہے جو کہ سروائیول نہیں کر سکتا گرم ایریاز میں سرد ایریاز کا ہے اور سب سے زیادہ پاورفل انرجیٹک ہوتا ہے اور درم سب سے میٹھا جو میٹھی ڈش ہے وہ ہے درم درم فٹی ہم اسے کہتے ہیں اور اس کو بہت کم ریئر کیس میں بنایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے وہاں جو ڈشز بنائے جاتے ہیں اس کے اندر ملدہ ہم کہتے ہیں کھانے کے علاوہ بھی بتاؤ کیا کھاتے رہتے ہو کچھ نہیں کھاتے مارکر کھاتے ہو میٹھا کھاتے ہو ڈرائی فروٹس کھاتے ہو اس کے علاوہ بتاؤ کلچر بتاؤ وہاں کی مطلب کوئی چیز جیسے مشہور ہوتی ہے لوگ گانے میں کیسے ہیں لوگ پڑھائی میں کیسے ہیں وہ بتاؤ جی اگر لٹریسی ریٹ کی بات کریں تو گلگت بلتستان کی لٹریسی ریٹ 90% سے ابو ہے اور کچھ ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں جس میں ڈسٹرکٹ غزر جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ہنزا ان کی لٹریسی ریٹ 100% ہے باقی ڈسٹرکٹس میں تھوڑی بہت کچھ کم ہے جس کی وجہ سے کل جو اوور آل لٹریسی ریٹ ہے وہ 90% سے ابو ہے اس کے علاوہ پولو وہاں بڑا بہت زیادہ شوق سے کھیلا جاتا ہے کرکٹ بھی کھیلا جاتا ہے لیکن پولو ہم بہت زیادہ شوق سے کھیلتے ہیں ویری نائس تھینک یو آپ بڑے لائک ہیں میں تو امپریس ہو گئی آپ کو اتنی انفارمیشن ہے چلے اب میں آپ سے چھوٹا سا سوال کرتی ہوں ٹھیک ہے جی پوچھیے مجھے بتاؤ پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے پاکستان کا قومی پرندہ چکور چلو تالیاں بجاؤ اپنے لیے کیا سناؤ گے تھینک یو میں ایک گانا سناؤں گا آپ کے لیے تعریف تھئی صورت نے تعریف تھئی صورت نے تعریف تھئی صورت نے انداز تھئی قاتل نے نہ کیسے سات مشی جن نہ کیسے سات لپی جن شمائی شری تمہیں ہیر بارو بار لپی جن شمائی شری تمہیں ہیر بارو بار لپی جن انداز تھے قاتل نے تعریف تھے صورت نے لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ اور نہ رپورٹر بن جاؤ تھینک یو ویری نائس جی کافی لائک تھا لڑکا مزہ آیا اس سے بات کی نو ڈاؤٹ ہی از ویری لائک اس کو ایک ایک چیز کا پتا تھا لٹریسی ریٹ کا کھانے پینے کا زیادہ ہی پتا تھا کسی اور سے بات کرتے ہیں نام احسن آپ کا نام فرح کیا کرتی ہیں ہاؤس وائف لپ کلر تو بڑا اچھا لگ رہا ہے کون سا ہے براؤن اینڈ میں پرپل ہے چلیں آپ بتائیں کون سی کلاس ٹو ٹو کیسی جا رہی ہے پڑھائی اچھی سیٹرڈے کو رزلٹ ہے اوئے ہوئے رزلٹ آنے والا ہے پارٹیسپیٹ کریں گے یہ میوزک پروگرام میں اچھا ویری نائس چلو سوال کرتی ہوں آپ سے ٹھیک ہے مجھے بتاؤ اگر ہم ریڈ کلر کا اسٹون گرین کلر کے پانی میں پھینکیں گے تو کیا ہوگا ریڈ کلر کا اسٹون گرین کلر کے پانی پھینکیں گے تو کیا ہوگا ریڈ بلو 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 چلے سنائیں آپ گانا سنائیں رج کے رلایا رج کے ہسایا میں نے دل کھو کے عشق کمایا مانگا جو اس نے ایک ستارہ ہم نے زمین پر چاند بلایا وہ جو آنکھوں سے ایک پل نہ اوجل ہوئے وہ جو آنکھوں سے ایک پل نہ اوجل ہوئے لاپتہ ہو گئے دیکھتے دیکھتے سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے
क्या से क्या हो गए देखते देखते, जीने मरने की हम थे वजह और हमी, जीने मरने की हम थे वजह और हमी, बेवजह हो गए देखते देखते। वेरी नाइस, किसने याद करवाया, खुद ही किया? वेरी लाइक। पढ़ाई में कैसा? माशाल्लाह अच्छा। आप क्या सुनाएंगे? मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, इसे इंट्रोड्यूस करवाएं किसी बुटीक में, टीवी प्रेस। वैसे मैं यही सोच रही थी, माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं आप। चले हम अभी बता देते हैं। चले जी, नाम उमर है ना? क्या नाम? एहसन। एहसन जी, एहसन जो हैं वो बहुत गुड लुकिंग हैं और टीवी पे तो पता नहीं कितने आने, मगर मैंने इनको भी रियल में देखा है, माशाल्लाह इज़ वेरी हैंडसम। और मैं चाहती हूँ आप, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जिन्होंने शूट्स वगैरह करवाने होते हैं बच्चों के या एड्स वगैरह, तो आप एहसन को जो है वो ज़रूर कंसीडर करें। इट्स माय रिक्वेस्ट, तो आपने ज़रूर कंसीडर करना है। थैंक यू। और हम खुद भी करेंगे, सही है? किसी वो अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है? ये लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए। थैंक यू एहसन जी, बहुत मज़ा आया। इन्होंने जो बात की मैं ज़रूर उसको सेकंड करूँगी, बच्चों को ज़रूर आगे लेके जाना चाहिए। आया कि उनमें इतना अच्छा कॉन्फिडेंस हो या इतने प्यारे हों। जी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेनी पड़ेगी आपसे इजाज़त। बहुत मज़ा आया आज आप लोगों के साथ। ओके, आज का टैलेंट ऑफ द डे वो था लड़का जो गिलगित से आया हुआ था, बिकॉज उसको बहुत इन्फॉर्मेशन थी, तो इसलिए मैं उसको टैलेंटेड कहूँगी, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती लोगों को जहाँ तक मुझे लगता है। तो गाना भी सुनाया उसने, जवाब भी सही दिया, तो ही इज़ अ टैलेंट ऑफ द डे, ठीक हो गया। चले दूसरा सवाल आपका, अगर हम एक लाल रंग का पत्थर ब्लू रंग के पानी में फेंकेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, पत्थर गीला हो जाएगा, ठीक है। ओके, दूसरा सवाल आपका कौन सा है, मुझे बताएं कि वो कौन सा मुल्क है जिसकी कोई आर्मी नहीं है फिर भी वो सब ज़रा पीसफुल है? तो वो है आइसलैंड, ठंडा ठंडा। अच्छा, तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, सबका फेवरेट प्रोग्राम भूजो तो जीतो, ठीक है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे शाम को 7 बजे देखना है, जो कि अगले सुबह 5 बजे और 11 बजे रिपीट भी होगा, तो देखना ना भूलें। और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहें, ऐसे ही प्रोग्राम को पसंद करते रहें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल योर लव एंड फॉर ऑल योर सपोर्ट। वेन एवर आई कम, वेन एवर आई जस्ट बी विद यू, आई जस्ट थोरली इंजॉयड माई शो, आई थिंक विच इज़ वन ऑफ द वेरी नाइस थिंग इन माई लाइफ। सो थैंक यू, मुझे अलीना हारून को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।